अब शामिल करेंगे। पंजाब से नितिन जी का सवाल आया है, वो इनफैक्ट हमारे साथ फोन लाइन के जरिए जुड़ चुके हैं। नितिन जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। नमस्ते मैम। मैम मेरे पास ITC के 500 शेयर्स हैं जी एट द रेट 228 और SBI के 120 शेयर्स हैं एट द रेट 225। चलिए, कॉन्ग्रेचुलेशंस नितिन जी, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। दोनों ही स्टॉक सिलेक्शन भी आपके काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी अच्छे लेवल पर आपने एंट्री की। और देखिए, इस माहौल में बाजार का जब ओवरऑल मूड इस वक्त ख़राब है, फंडामेंटल अच्छे स्टॉक अगर आपके पोर्टफोलियो में शामिल हैं तो इसी तरह का मुनाफा भी देखने को मिलता है। हालांकि उतार चढ़ाव बना हुआ है इस वक्त बाजार में, लेकिन काफ़ी अच्छे लेवल पर आपने एंट्री की और उसका क्लियरली आपको यहाँ पर फ़ायदा भी मिल रहा है। ITC में तो 80,000 का मुनाफा इनको इस वक्त हो रहा है। इस पर राय ले लेते हैं। विवेक, आप ही सजेस्ट करिए। ITC और SBI हैं इस वक्त इनके पोर्टफोलियो में और अच्छा मुनाफा भी हो रहा है, लेकिन बाजार के इस वक्त चाल को देखते हुए आप क्या सजेस्ट करेंगे? जो भी प्रॉफिट है वो लेके निकल जाएं या अभी भी होल्ड कर सकते हैं? देखिए पूजा, एक सबसे बड़ी जो गड़बड़ करते हैं इन्वेस्टर्स, रिटेल इन्वेस्टर इन पर्टिकुलर, ये है कि जब भी कोई स्टॉक ऊपर बढ़ता है तो जल्दी जल्दी प्रॉफिट बुक कर लो, और वही स्टॉक अगर करेक्शन देता है तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो। तो वैसा स्ट्रेटेजी नहीं अडॉप्ट करना है। ITC 180 190 में कोई लेने के लिए तैयार नहीं था और बहुत सस्ता था, लेकिन अब इन वैल्यूएशन में डेफिनेटली ये मतलब वैल्यूएशन डबल हो गया समझ लो। लेकिन मुझे लग रहा है कि आपको होल्ड करना चाहिए। इसमें एक फ्रेश ब्रेकआउट आज और कल देखा गया था एक चीज, और आज करीबन 5 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है, तो स्टॉक ओवरऑल अभी भी स्ट्रॉन्ग चल रहा है। तो बढ़ते हुए स्टॉक को जरूर मैं सेल की सलाह नहीं दूंगा। वैल्यूएशन थोड़ा सा कॉस्टली है, लेकिन हाँ आपको होल्ड करना चाहिए। इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो भी ये सिगरेट का बिजनेस है, ये धीरे धीरे इनका जो परसेंटेज वो कम हो रहा है। ओवरऑल FMCG कंपनी आज के दिन बन गई है, तो वैल्यूएशन अगर HUL के बराबर होना है तो ये यहाँ से और 50 रुपए ऊपर जा सकता है। तो इसके लिए आप इसको होल्ड कीजिए। ITC पर ये राय। विवेक, SBI पर भी सुझाव दीजिए, यहाँ पर भी इनको काफी अच्छा मुनाफा हो रहा है। 225 पर है, इन्होंने एंट्री की हुई थी और अब 519 पे आ चुका है। हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं सरकारी बैंकों में थोड़ा दबाव तो आया था, बट SBI इस वक्त कैसा लग रहा है आपको? पूजा मतलब इनका बाई प्राइस देखते ही हमको पता चल रहा है कि अब्सोल्यूट लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है ये। और आज PSU बैंकिंग की संख्या जो देश में है वो कम हो गई है। SBI अभी एक मौका दिया था बहुत बड़ा करेक्शन देके, क्यों, जब ये अडानी का सागा हुआ था। अब दिख रहा है कि ये मतलब ज्यादा हवा थी और ये स्कैम वैम जैसे करके कुछ नहीं है, तो इनका पैसा सेफ है। और आगे चल के यहाँ से इकोनॉमी रिकवरी ही होने वाली है। इनफैक्ट इकोनॉमी स्ट्रांग है। कल DLF के सेल्स जो देखे थे हमने 7 करोड़ वाले फ्लैट्स के, देख के लगता है कि इकोनॉमी ओवरऑल स्ट्रांग है। और अगर इकोनॉमी स्ट्रांग होता है तो यहाँ से इनफैक्ट प्राइवेट केपेक्स भी स्लोली पिकअप हो रहा है, और मुझे लग रहा है कि स्पेंडिंग यहाँ से आगे चल के बढ़ेगा। तो इनका जो क्रेडिट ऑफ टेक है ये भी बढ़ेगा आगे चल के, तो दिग्गज बैंक है। कंपेयर अगर करो आप HDFC और ICICI के मुकाबले, तो SBI का वैल्यूएशन कुछ भी नहीं है। तो ये अगर क्योंकि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, आप इसको होल्ड कीजिए और आप 700 तक इसको आराम से देख सकते हो। लेकिन हाँ टाइम लगेगा, 1-1.5 साल लगेगा, लेकिन 700 जाएगा। ठीक है, SBI